नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सब पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। जैसे आप लोगों को पहले लग रहा था कि विसर्ग संधि बहुत सॉरी व्यंजन संधि आप लोगों को लग रहा था कि बहुत कठिन होगी, पर जैसे जैसे मैं आपको फार्मूला और ट्रिक बताती जा रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि व्यंजन संधि उतनी कठिन नहीं है जितना आपको पहले लग रहा था। आप ट्रिक को माइंड में बैठाते रहिए और अभ्यास करते रहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ईजी लगता रहेगा। हाँ, ये है कि फार्मूला आप अपने माइंड में रखिए, जो मैं शॉर्ट फार्मूला आपको बता रही हूँ वो फार्मूला अपने माइंड में रखेंगे और बुक से शब्द निकाल निकाल के आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। उससे क्या होगा, आपकी वर्तनी भी शुद्ध होगी, वर्तनी शुद्ध होने के साथ साथ आपका संधि विच्छेद और संधि कौन सी है, कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, व्यंजन संधि के कुछ नियम और बचे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि से। व्यंजन संधि, ये नियम कहता है त के बाद यदि जा या झा हो तो ता जो है ये तो ता सॉरी जा में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, नियम हमारा संधि का वही कहता है कि शब्द का जो पहले नियम हम लगाते आए हैं, शब्द का अंतिम वर्ण प्लस शब्द का प्रथम वर्ण। अब हम मान लेते हैं कि अंतिम वर्ण में क्या है, ता के बाद क्या हो, जा या झा हो, तो ता किस में परिवर्तित हो जाता है, ता हमारा परिवर्तित हो जाता है जा में। इनका इसके बाद अगर ये हो तो ता जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, जा झा जा या झा है वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है, अगर जा है तो जा रह जाएगा, झा है तो झा रह जाएगा। ठीक, अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उत प्लस ज्वल। ठीक, देखा ता है, ता के बाद क्या आया है, जा, तो ता किस में परिवर्तित हो गया, जा में, नीचे हलंत आया, इधर क्या है, जा ही है। ठीक, साथ में हम चाहें तो साथ के शब्द जोड़ दें, वल इधर उ, जब हम इसको साथ में जोड़ेंगे उ, जा का हलंत हटेगा आधा जा, इस जा का हलंत हटेगा आधा जा, वो वाला ज्यों का त्यों रह जाएगा, वल, शब्द हमारा क्या बन जाता है, उज्ज्वल। देखिए, इससे आपकी मैंने जैसे बताया था कि वर्तनी भी शुद्ध होगी, उज्ज्वल, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी यही है, जबकि जनरली हम कई बार स्टूडेंट्स इसको इस उज्ज्वल को सही लगा बैठते हैं कि ये उज्ज्वल सही है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, उज्ज्वल हमारा सही है। इस तरह से संधि विच्छेद करने पे आपकी वर्तनी भी शुद्ध हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। देखिए, सत प्लस जन। ठीक, ता का क्या बदला, ता बदल के जा हो गया, जा अपने जा में ही रह गया, साथ में ना ही है स, जब इसको हम साथ में लिखते हैं तो सा, जा का हलंत हटा, ज, ये जा अपने ही रूप में आ गया और ना सज्जन। ठीक, ये अपने पूरे रूप में आ गया। ठीक, इस तरह हम देखते हैं कि त के बाद यदि ज झ हो तो त ज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है,
देखिए त था, त का मेल जा या झा से हुआ तो त जा में परिवर्तित, त जा में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेके आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसको या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा नियम बताती हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी या तो नोट कर लिया करिए या स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए, चीजें छूटने ना पाए और खास तौर से फार्मूला आपका छूटने ना पाए। यानी अगला नियम क्या कहता है, यदि त के बाद शा हो तो ता का चा और शा का छ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ता इसमें जो जो संधि होती है, संधि के मेल में ता के बाद यदि शा है तो ता का चा बन जाता है और शा का ये शा जो है उसका छा बन जाता है। इसका फार्मूला कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ता के बाद यदि क्या है शा है, ठीक, तो ता का क्या बनता है, ता का बन जाता है चा और शा का क्या बन जाता है छा बन जाता है। ठीक, फार्मूला आपको समझ में आ रहा है। त के बाद यदि शा होता है तो त चा में बदल जाता है और शा जो है वो छा में बदल जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है, फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए एग्जाम्पल, उत प्लस श्वास, ठीक। अब देखिए ता है, ता किस में बदलेगा, शा में बदलेगा। शा है, शा किस में बदलेगा, छा में बदलेगा। मतलब अब साथ में चीजें हम ज्यों का त्यों ही जोड़ देते हैं, ठीक। तो चा का हलंत हटा तो क्या हो गया, उच्च श्वास। छा आधे में रहता नहीं है तो ये आधे लेटर में रहता नहीं है तो ये अपनी ही जगह पे जो का त्यों रहेगा, बस हलन इसमें लग जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। इससे देखिए आपकी वर्तनी भी शुद्ध होगी कि उच्छ्वास किस तरह लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को किसी तरह का डाउट्स आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहिए। उच्छ्वास हो गया। अब मैं आपको दूसरा दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए सत प्लस शास्त्र, ठीक, त में हलंत लगा, त का क्या हो गया, त का हो गया च, शा का क्या हो गया, छा हो गया। सच छास्त्र, ठीक, सत छास्त्र आपका शब्द हो गया। वर्तनी आप देख लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, मैं आपको नेक्स्ट नियम बताती हूँ। आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश किया करिए या जल्दी जल्दी नोट किया करिए, ठीक है।
स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आपने। देखिए अगला नियम क्या कहता है, यदि त के बाद ट, ड और ला हो तो। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या बनता चला जाएगा। ता के बाद यदि ता हो तो क्या बन जाता है, इसके बाद ये हो तो ता का क्या बन जाता है, टा बन जाता है ता का। ठीक। और नेक्स्ट नियम कहता है कि ता के बाद यदि क्या हो, ड हो तो ता का क्या बन जाता है, ड बन जाता है। और अगला नियम क्या कहता है कि ता के बाद यदि ला हो तो ता का क्या बन जाता है, ला। ठीक। और बाकी ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सत प्लस टी का, ठीक, तो ता का क्या बन जाएगा, ता का बन गया ट, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा टी का, यहाँ स जुड़ गया। जब हम इसका संधि करेंगे, सट आधे टा में आ गया, इसको संभालने के लिए थटा टी का, सट टी का। ठीक, समझ में आ रहा है। वर्तनी भी आप साथ के साथ देखते चलिए कि सट टी का किस तरह लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ला का हम लिख लेते हैं, उत प्लस लेख, ता का क्या हो गया, ला हो गया, और यहाँ पे लेख है ही, ज्यों का त्यों ही रहेगा, उ हो गया, उ ला का वो हटा हलंत हटा आधा ला हो गया, ये लेख ज्यों का त्यों हो जाएगा, ये हमारा हो गया उल्लेख। ठीक है। वर्तनी भी साथ के साथ देखने चलिए। जब हम संधि भी करना होगा तो हम देखिए, हमको ये पता है कि ला ता का ला होता है, तो उस हिसाब से हम संधि विक्षेप भी कर लेंगे। हमको इस तरह से पता चल जाता है कि कौन सा नियम लगता है इसमें और किस तरह से संधि विक्षेप होता है। मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए डा का हम ले लेते हैं, उत प्लस नयन, ता का क्या बना, ता का डा बन गया, प्लस नयन। जब हमने इस ये ऊ ज्यों का त्यों ही रहेगा, तो जब हमने ये किया, इसका हलंत हटाया आधे में आ गया, डयन पूरा रहेगा, ड य न, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उड नयन, दोनों भी दोनों तरह से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इस तरह से एक बार हम फिर से देखते हैं, यदि ता के बाद ट ड ल हो तो ता का क्या बन जाता है, ता के बाद टा हो तो टा बन ता का टा बन जाता है, ता के बाद ड हो तो ता का डा बन जाता है, ता के बाद ला हो तो ता का ला बन जाता है। ठीक है। आप स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं आपको दूसरा नियम बताती हूँ। समझने में किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दिया करिए।
देखिए ये नियम क्या कहता है, यदि ता के बाद हा हो तो के स्थान पर द व हा के स्थान पर ध हो जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला मैं आपको बताती हूं। ता के बाद हा हो, जैसे ता है, ता के बाद हा हो, तो ता के स्थान पर क्या हो जाता है, ता के स्थान पर द और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ठीक है, ठीक। इसी तरह से हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे। जैसे हमने ले लिया उत प्लस हार, ता की जगह पे क्या चेंज हुआ, द, और हा की जगह पे क्या आया, हा की जगह पे हार। गया, ठीक। तो जब बाकी की चीजें, बाकी के शब्द वैसे ही रह गए, चाहे आर लिखें या फिर हा लिखें, ठीक है। जब हम इसकी संधि करेंगे, यहाँ भी ऊ का ऊ ही रह जाएगा, तो ओ द हलन्त हटाया तो आधे में आ गया, इसको संभालने के लिए धा आ गया, आ की मात्रा लग गई और रा, ठीक। या फिर कुछ जगह आपको ओ धार लिखा मिलेगा, क्योंकि ये मानक नहीं है इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे, इस तरह का उद्धार सही मानेंगे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल आप साथ के साथ करते चलिएगा, और चीजें चाहे आपकी रह जाए। जैसे ले लिया उत प्लस हृत, ठीक। उत प्लस हृत, तो त का क्या हो गया, ता का हमारा यहाँ द हो गया, र का हा का है, हा का क्या हो गया, ध हो गया। बाकी रा जो लगा है इसमें, ये ज्यों का त्यों लगा रहेगा, ता ज्यों का त्यों रहेगा, ऊ जो है ज्यों का त्यों रहेगा। तो ऊ हमने ज्यों का त्यों उतारा, द का हलन्त हटा, तो द या तो हलन्त रूप में आएगा, फिर धा हमने लिखा, धा में चूंकि यहाँ में रा लगा है तो वो धा में भी लगेगा, और ता ज्यों का त्यों रहेगा, तो उद धृत, ठीक है। या फिर आप कहीं कहीं इस तरह लिखा देखेंगे, उद धृत, ठीक है। ये दोनों वर्तनी ही सही मानी जाएगी। आपको किसी तरह की वर्तनी में दिक्कत आ रही हो समझने में, किसी तरह के फार्मूला समझने में दिक्कत आ रही हो, आप जरूर बताइएगा। आप इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला बताती हूँ आपको। देखिए ये नियम कहता है, यदि किसी स्वर मतलब आ से और आओ तक में अ और आ के अलावा
किसी स्वर का मेल सा से हो तो सा का शा बन जाता है। अब मैं आपको फार्मूला देती हूँ। जैसे मान लिया ई का मेल सा से हुआ, ठीक, तो जो ये सा हुआ ये शा बन जाता है, ठीक है। या ऊ का मेल सा से हुआ तो ये भी शा बन जाएगा। इसी तरह किसी भी स्वर का ऊ ऊ बड़ी ए आए सॉरी इधर नहीं लिखना है मुझे, इधर ई ऊ ऊ ए आए ओ आओ, इनका मेल सा से होता है तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, और लेकिन इस सा का शा बन जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, नी प्लस सिद्ध, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आया, ई, और यहाँ पे क्या है, सा है, सा पहले आएगा तो सा का क्या बन जाएगा, शा बन जाएगा। तो जब बाकी चीजें ये ज्यों की त्यों रहेंगी तो यहाँ पे हम कर देंगे नी, यहाँ ई की मात्रा है पर शा ये वाला बन जाएगा शी ध निषिद्ध, ठीक है। वर्तनी भी आप साथ के साथ देखते चलिए, संधि विच्छेद हमारा ये होगा निषिद्ध, ठीक है। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, अभी प्लस सेक, यहां भी ई आया प्लस सा है तो शा का ये शा बना, ठीक। बाकी चीजें ज्यों की त्यों रहेंगी तो हम अभी और ये शा की जगह पे शे क अभिषेक कर देंगे, ठीक। समझ में आ रहा है।